वेलकम टू ऑल ऑफ यू पीवीआर हिस्ट्री फ्रेंड्स, आज पढ़ाने चल रहे हैं यूज ऑफ हैज हैव अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है? वर्तमान पूर्ण काल, इसमें जो भी कार्य होता है पूर्ण होता है। आइए देखते हैं इसकी पहचान क्या है। इसमें वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं या फिर अर्थात आ ई ए प्लस है आते हैं। इफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, इसका नियम क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन। ही सी इट अ सिंगल पर्सन। थर्ड पर्सन, ही सी इट अ सिंगल पर्सन, एक अकेला व्यक्ति के साथ हम हेल्पिंग वर्ब में हैज का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? यू, वी, आई, दे या दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होते हैं, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। मैं अपनी पुस्तक प्रकाशित कर लिया हूं। कुछ फ्रेंड्स में सोच रहे होंगे यहां पे चुका है नहीं आया है, तो आप लोगों अर्थात में बताया गया था लास्ट में आ प्लस है या हूं आता है, यहां पे देखिए आ आया है ना, तो क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट अर्थात कार्य क्या है, पूरा है। मैं अपनी पुस्तक प्रकाशित कर लिया हूं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे सामने क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैव का प्रयोग करेंगे हैव, फिर मेन वर्ब प्रकाशित कर लिया हूं अर्थात प्रकाशित हो चुका है, पब्लिश्ड ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पुस्तक, उसके पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है माई बुक, सिंगुलर सब्जेक्ट देख लेते हैं, वह अपनी कक्षा में कुछ पुस्तक
पढ़ चुकी है कहिए या पढ़ लिया है ना। सी हैज सिंगुलर सब्जेक्ट हैज रेड कुछ पुस्तक सम बुक्स इन द क्लास सी हैज रेड वह पढ़ चुकी है सम बुक्स इन द क्लास। फ्रेंड्स कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो परफेक्ट टेंस में ही यूज होते हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन से वे शब्द हैं जो केवल परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। वे शब्द हैं जैसे सो फार सो नाउ टिल नाउ टिल टुडे एट यूर। फ्रेंड्स इन्हीं शब्दों को आधार बनाकर आयोग अधिकांशता पूछता रहता है परीक्षाओं में कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में अधिकांशता इसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है। वी टीच मेनी स्टूडेंट्स बट ओनली आ फ्यू आर पासिंग इन द एग्जामिनेशन सो फार। कह रहा है वी टीच मेनी स्टूडेंट्स बट ओनली आ फ्यू आर पासिंग इन द एग्जामिनेशन सो फार लगा है। तो सो फार किसका संकेत है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो कहां से एरर है? आर पासिंग, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हैव पास्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है आ फ्यू, तो यहां पे क्या करेंगे? हैव पास्ट। ओके फ्रेंड्स, ये सारे शब्द जितने भी शब्द हैं प्रेजेंट परफेक्ट ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। तो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। I have not met my friend yet. एट का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, जो कि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। I have not met my friend, मैं अपने मित्र से अभी नहीं मिला हूँ। इन सब का प्रयोग, इसका अर्थ होता है, सारे शब्दों का अर्थ होता है अब तक, इवर का अर्थ होता है पहले। तो एट पर एक एग्जांपल और देख लेते हैं, दूसरे तरीके से यूज होता है, जैसे दे हैव एट टू गो टू मुंबई, इस तरीके से प्रयोग होता है। दे हैव एट टू गो टू मुंबई, उन्हें मुंबई जाना है, उन्हें अभी मुंबई जाना है। इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एट को लास्ट में लिखकर, जैसे दे हैव नॉट गॉन टू
मुंबई एट। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? देखिए कह रहा दे हैव इट टू गो टू मुंबई, उन्हें मुंबई अभी मुंबई जाना है। और दूसरा तरीका क्या है, दे हैव नॉट गॉन टू मुंबई एट, वे अभी मुंबई नहीं गए हैं, अर्थात उन्हें अभी मुंबई जाना है। तो आयो कैसे पूछता है, तो देखते हैं क्वेश्चंस। सी हैज एट फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टू कुकिंग, थर्ड फोर्थ ऑप्शन है टू कुक्स। कह रहा है सी हैज इट डैश फूड, उसे अभी भोजन क्या करना है, पकाना है। तो इट के साथ इंफिनिटिव आता है टू कुक, उसे अभी भोजन क्या करना है, पकाना है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले इसका नियम देख लेते हैं क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैज, हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, एक ईमानदार व्यक्ति अपना कार्य पूरा निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हो आप लोग, पूरा कर लिया है। तो यहां से इसे हटा दीजिए, एक व्यक्ति अपना कार्य पूरा कर लिया है, एक व्यक्ति अपना कार्य पूरा नहीं किया है या नहीं कर लिया है। तो इसका सेंटेंस ट्रांसलेशन क्या होगा, अ पर्सन हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। एक और देख लेते हैं इसी प्रकार, वे बच्चे नदी में स्नान नहीं किए हैं, नहीं किए हैं या नहीं कर चुके हैं। कह रहा है वे बच्चे, आपको क्या है सब्जेक्ट बच्चे हैं और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दोज, दोज चिल्ड्रेन प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव। अब क्या है मेन वर्ब, स्नान करना, बाथ्ड
स्नान कर लिए हैं इन द रिवर। नहीं शब्द लगा हुआ है तो यहाँ पे नॉट शब्द लग नॉट लग जाएगा। दो चिल्ड्रेन हैव नॉट बाथ इन द रिवर, नदी में स्नान नहीं किए हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है? उस विद्यालय के बच्चे कक्षा में अपने कुछ कार्य नहीं किए हैं। कह रहा है उस विद्यालय के बच्चे कक्षा में अपने कुछ कार्य नहीं किए हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। और ये क्या है? तो सबसे पहले बच्चे चिल्ड्रेन ऑफ दैट स्कूल एडजेक्टिव है। उस विद्यालय के बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे हैव लग जाएगा, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे। किए हैं डन, क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं? कुछ कार्य अपने कुछ कार्य नहीं किए हैं। सम यहाँ डियर हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है, डियर वर्क कक्षा में इन द क्लास। कह रहा चिल्ड्रन ऑफ दैट स्कूल, उस विद्यालय के बच्चे हैव नॉट डन नहीं किए हैं सम कुछ दियर वर्क अपने कुछ कार्य इन द क्लास कक्षा में। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में अब आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस।